सो ये कारनामा देखना अभी आप, जलेगा नहीं ये बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं। एक बाइकर जैकेट और खतरनाक लुक में जो। सो व्हाट्स अप व्यूअर्स, दिस इज निखिल यू वाचिंग इट। सब लोग दोस्तों, आज की वीडियो आपने प्योर 150% जेन्युइन लेदर, जिसे हम कहते हैं कि सारी वही आइटम मिलेगी आपको यहाँ पर। सो मैं आज आया हूँ मोहम्मदपुर, यानी कि भिकाजी कामा पैलेस में। एड्रेस सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ भी क्वेश्चन हो वहां पर आके पूछ लेना, जरूर मैं रिप्लाई करता हूँ सभी का। किसी भी चीज से रिलेटेड आपको, किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप वहां पर आकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, वहां पर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। और गाइस वीडियो एंड तक देखना, सारे जो भी रेट बताऊंगा आज सारे रिटेल के रेट होंगे, जितने भी होंगे इसमें। सो हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैरायटी अपने पास काफी सारी। सो बाइकर जैकेट, जोन सी भी, मतलब जितनी तरह की जैकेट्स होती है ना, सारी आपको मिलेंगी यहाँ पर। प्रॉपर इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अभी फैक्ट्री की भी आप क्लिप्स आगे देखेंगे, जो कि इनकी फैक्ट्री है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तो ये भाई जान अपने आपको दिखाने वाले हैं सारी जैकेट। सर कैसे हैं? सर बढ़िया सर, फाइना आता है। बहुत बढ़िया। तो आज आप जैकेट्स मतलब कहाँ से दिखाएंगे, किस किस तरह की आपके पास वैरायटी मिलती है? सर पास वैरायटी मिलती है, कलर्स अवेलेबल सारे होते हैं और डिजाइन सारे अवेलेबल होते हैं। सर ये देखिए, गॉट लेदर में है, ग्रीन शेड में है सर ये, ठीक है। बहुत बढ़िया पीस है सर। अपने पास वैरायटी मतलब किस किस तरह की होती है सारी? सर हमारे पास शीप, गोट और कैमल होता है, ठीक है। जो ज्यादा यूज होता है वो शीप होता है, एक्चुअली वो कम्फर्टेबल होता है ज्यादा। गोट थोड़ा हैवी होता है और ग्रेवल भी होता है, कैमल भी अच्छा होता है, चलने वाला काफी होता है। बट एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि 100% जेन्युइन लेदर होगा? जी 110% जेन्युइन होगा। कहीं से भी चेक करवा ले? जी कहीं से भी चेक करा सकते हैं। और सर एक बात है, अगर कोई प्रूफ करता है लेदर नहीं हो तो हम जैकेट फ्री देने के लिए तैयार है सर। ठीक है, तो वही वैरायटी अपने पास काफी सारी। मतलब कौन कौन से किस किस तरह के आपके आर्टिकल्स मिल जाते हैं यहाँ सर हमारे पास? देखिए ये हमने गॉड पे आर्टिकल्स बनाया हुआ है सर, देखिए। मतलब इनके नाम कैसे होते हैं? बाइकर हम कहते हैं, बाइकर सर ये सर इसको बंपर बोलते हैं सर। अच्छा, बंपर जैकेट हो जाता है सर ये। और सर इस टाइप में बंपर में ये भी बंपर लुक पे आ जाता है सर। देखिए इसके अंदर फर लगी हुई है सर, जो कि बहुत काफी गर्म रहती है सर, आप इसको पहन सकते हैं सर। उसकी डिजाइनिंग भी बहुत यूनिक है सर, अच्छी डिजाइनिंग है, ठीक है। और सर इस तरह के हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं सर। ये हमने शेड बनाया हुआ सर बंपर में सर, ये तो इसको क्या कहते हैं सर? सेम ये बंपर में दिखाते हैं सर, सेम बंपर है ये सर, बंपर बोलते हैं सर। सर ये देखिए, इसको बाइकर बोलते हैं सर। अच्छा, इसमें बाइकर में अंदर होगी जी सर। मतलब चलती बहुत है ये वाली जैकेट, मैंने सुना। जी जी नॉर्मली सर 7 से 8 साल आराम से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक तो टाइम पीरियड तो 7-8 साल जैसे बताया नॉर्मली, मतलब आर्टिकल ट्रेंडिंग चलता है, हमेशा चलता है, मैंने आर्टिकल देखा है। जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो सर इनके प्राइस, अगर हम प्राइस रेंज की बात करते हैं स्टार्टिंग की, कहाँ से प्राइस रेंज अभी स्टार्ट होती है सर? हमारे पास 2500 से शुरू हो जाता है सर। अच्छा, 2500 जो जेन्युइन लेदर होती है? जेन्युइन होगा सर, आपको 2500 से हम शुरू करते हैं। उसमें सर आर्टिकल्स आ जाएंगे, डिजाइन आ जाएंगे सर। ये देखिए, ये सर शीप लेदर में है सर, इसकी रेंज 2500 से स्टार्ट है सर। अच्छा, यहाँ से रेंज स्टार्टिंग होगी जी सर। इस जैकेट को क्या कहते हैं सर? नॉर्मल बंपर बोलते हैं सर इसको, इसको भी बंपर कहते हैं। सो मतलब इनकी मतलब लाइफ आपने बताया 5-7 साल आराम से चलती है नॉर्मली सर? 5-7 साल आराम से चलती है सर। एवरी ईयर पॉलिश कराते रहिए और सर पहनते रहिए। तो पॉलिश के चार्जेस कितने होते हैं सर? उसमें सर 300 भी होता है, 250 भी होता है सर। और साइजेस मतलब साइजेस रेशो क्या रहती है? साइज हमारे पास स्मॉल से शुरू हो जाता है और एक्सेल डबल एक्सेल तक होता है सर। और एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर बाहर से आपके पास कॉल आता है कि कुरियर डलवा दीजिए, जी सर जी, तो कुरियर हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सो उसके पेमेंट एडवांस में होगी? पेमेंट सर एडवांस में होगी, और आपको अगर पसंद नहीं आता आपकी पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी, कोई इशू नहीं सर। उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, प्रॉपर श्योरिटी रहेगी सर, 100% श्योरिटी रहेगी सर। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। आपने भी दिखाया 2500 की रेंज दिखाई थी, उसके बाद कहाँ से रेंज स्टार्ट हो गया सर? फिर उसके वजह से ये आर्टिकल आपने देखे, अभी मैंने आर्टिकल दिखाया सर, ये 3500 की रेंज में है। अच्छा सर, ये 3500 की रेंज में है। फिर मैंने आपको बाइकर दिखाया सर जी, ये सर 3500 की रेंज में है। इसमें गॉट में आता है सर, वो 4000 में। कलर ऑप्शंस भी होते हैं इनमें सेम? हर चीज में हर कलर मिल जाएगा सर, जिसमें साइज और कलर प्रॉपर मिल जाएंगे, प्रॉपर मिल जाएंगे सर आपको, ठीक है। सर देखिए, बॉमर जैकेट होती है सर, ये 3500 की होती है सर। इसमें सर देखिए हमारी क्वालिटी, देखिए सर एक्सपोर्ट क्वालिटी में अंदर से जो हम स्टिच करते हैं फाइन क्वालिटी में सर। देखिए एकदम बिल्कुल इसमें जो है लुक वाइज सारी चीज देख सकते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अच्छे से स्टिचिंग करी गई है सारी। सो आप पहचान नहीं पा रहे कि ये दिल्ली वाली मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट वाली। इसमें अंदर हम सैंपल भी जो है साथ में देते हैं जी, लेदर का सैंपल देते हैं। ये अच्छी चीज है, काफी लेदर का सैंपल दिया गया आपको अलग से, कि जो बाहर लेदर लगा हुआ अगर आप चेक करवाना चाहें उसी लिए। जी जी सर, चेक कराने के लिए। सो ये चेक करवाने के लिए दिया गया है। और so, इसका क्या प्राइस बताया आपने सर? ये 3500 का आएगा सर, 3500 का। हाँ, ये भी 3500 रुपीस के अंदर है। सो देख सकते हैं आप, ये भी 3500 रुपीस के अंदर होगी। सो और मैं बताना चाहूंगा, कलर और साइजेस आपको हर जैकेट में यहाँ पर सारे हर आर्टिकल में मिल जाएंगे, आर्टिकल में अवेलेबल होंगे। सो उसके बाद कौन सा आर्टिकल दिखाएंगे आप सर? इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर, ये देखिए आप सर, ये एक ये आर्टिकल है सर, ब्राउन शेड में बनाया हुआ है सर जी।
₹3500 की रेंज में सर, बहुत यूनिक है, आजकल बहुत डिमांड है इसकी, बहुत कस्टमर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ले रहे हैं सर। ये तो प्रॉपर जैकेट की मार्केट है सारी। सर, ओके सर। अगर जैसे बाहर अदर मार्केट में जाता है तो इन जैकेट्स का प्राइस सेम ही रहता है, थोड़ा बढ़ता है सर जी? थोड़ा बढ़ जाता है रेट वहाँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हमारा रिटेल और होलसेल दोनों का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी हमारी अपनी होती है, तो इसलिए हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को सर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे 35 वाली जैकेट जो बताई, बाहर कितने तक की मिनिमम मिलती है? आपको 4,500 से 5,000 रुपए की रेंज आएगी। अच्छा, ₹1,000 मतलब बढ़ जाएंगे डेफिनेटली सर, वो यहाँ से लेके जाएंगे तो ₹1,000 तो उनको एक्स्ट्रा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अगर कोई होलसेल के लिए आपसे कांटेक्ट करता है, जी सर, तो रेट यही रहेंगे या कुछ सर, रेट अलग? सर होलसेल के प्राइसेस अलग होते हैं। अच्छा, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी अगर कोई होलसेल में? कम से कम 20 पीसेस तो होने चाहिए। मिनिमम 20 पीस आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर होलसेल में आप डील कर सकते हैं मिनिमम 20 पीसेस के अंदर। सो जैसे मैं आपने जो जैकेट दिखाई थी, इसके बाद कौन सी दिखाएंगे थोड़ी आजकल, जैसे मतलब किस तरह की जैकेट चल रही है आपको पता ही होगा इस बारे में? जी सर, देखिए सर, देखिए हमारे पास स्टेप के पेज भी होते हैं। अच्छा, लेदर में, लेदर में इस तरह की फिनिशिंग? हाँ, और ऐसे आर्टिकल मैंने पहली बार देखा। जी सर, जी जिप में होगी, जिप भी होगा, बटर भी है, जिपन भी है, बटर भी, दोनों ओपन है सर। चेकआउट कर सकते हैं। जिप भी को अच्छी क्वालिटी की है, वाईकेके जिपर है सर सारे। अच्छा, वाईकेके जी, अच्छा, जो मतलब ब्रांड में आती है प्रॉपर। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। सो इसका क्या प्राइस रहने वाला? देखिए फर लगा हुआ, पूरा फर लगा हुआ सर, ये आपको 4,000 का पड़ेगा, 4,000। ये 4,000 रुपीज की है। और एक और चीज बताओ, जैसे अगर किसी की जैकेट में क्रैक्स आ जाते हैं, ओके ओके, सो उसके लिए कुछ गारंटी सर? अगर हमारी जैकेट में क्रैक्स आएंगे तो वो गारंटी हमारी होगी सर। अच्छा जी सर, तो एक बारी अब थोड़ा अपने लेदर को श्योरिटी कैसे देने की? ये बिल्कुल श्योर सर, प्योर लेदर है। मैं आपको श्योर सर प्योरिटी दिखाता हूँ सर, देखिए क्या होता है। देखिए सर, ये लेदर है सर, ये गॉट लेदर है सर। जी, ये गॉट लेदर होगा ये वाला सर। ये शीप लेदर है सर, ये सॉफ्ट होता है, कंफर्ट होता है सर जी। बिल्कुल सही बात है, ये शीप लेदर काफी सॉफ्ट है। और ये वाला अपने गॉट लेदर सर, ये गॉट लेदर, गॉट थोड़ा हार्ड होता है सर। अच्छा सर, ये देखिए, ये भी शीप लेदर है, इसको शीप एंटिक बोलते हैं सर। शीप एंटिक है सर। ये देखिए ब्लैक में ये और स्टफ है सर गॉट का, ये भी बहुत फाइन क्वालिटी का स्टफ है सर हमारा, ठीक है। और सर ये देखिए, ये शीप लेदर में है, ये भी सर सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है, मतलब देख रहे हो शीप जितना भी है ना सारा सॉफ्ट में है। जी 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 जी। सो ये कारनामा देखना अभी आप। सो भाई ये देखिए कारनामा, देखिए लाइटर अपना चालू हो गया, और आप ये देख सकते हैं ध्यान से, जलेगा नहीं ये बिल्कुल? जी बिल्कुल नहीं जलेगा सर, बस देखिए धुआं उठा और वही के वही। सर देखिए मैं बताता हूँ आपको, लेदर की जेन्युइनिटी होती है, जलने के लिए तो सर हर चीज जल जाती है, लेकिन लेदर का क्या मतलब है कि ये कुछ देर तक नहीं जलेगा बिल्कुल भी सर। अगर रैक्सिन होगा तो इतनी देर में वो बिल्कुल फिर जल जाएगा, राख हो जाएगा सर वो। सो अभी आपको हम चीज करके दिखा रहे हैं, देखिए जेन्युइन लेदर जिसे कहते हैं ना, ये क्वालिटी होती है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं, आप देख लीजिए कहीं पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? ये सिर्फ जेन्युइन लेदर की पहचान है। सो आप देख सकते हैं भाई, वैरायटी अपने पास बहुत सारी है। क्रोकोडाइल स्टफ में है सर, ये बहुत प्यारा है। क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल लेदर है, क्रोकोडाइल सर, ये डिजाइनिंग क्रोकोडाइल, डिजाइनिंग क्रोकोडाइल वाली है, क्रोकोडाइल लेदर नहीं है। क्रोकोडाइल लेदर कौन सा होगा? ये सर शीप लेदर पे आता है सर, मतलब हैवी है पूरी जैकेट, भारी है, मैं बता रहा हूँ, सर्दी इसमें लगने नहीं वाली मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। इसको खोल के दिखाएंगे अंदर क्या स्टफ लगा हुआ है। देखिए स्टफ अंदर लगा हुआ है सर, बेस्ट क्वालिटी की जो है फर हमने लगाई हुई सर अंदर इसमें। ये देखिए सर, अंदर भी गर्म रहेगा, काफी वार्म रहेगा। ये मतलब क्वालिटी, मतलब ये लेदर तो लेदर में तो नहीं होता सर, ये तो अंदर लाइनिंग की जगह पे यूज करते हैं इसको, ताकि ये वार्म रहे, गर्म रहे, ताकि जो होता है अंदर ये कपड़ा ही होता नॉर्मल। जी जी, नॉर्मल कपड़ा, फर होती है, ये कपड़ा ही होता नॉर्मल। अंदर देख सकते हैं प्रॉपर, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर हर चीज की स्टिचिंग दी गई है। अंदर पॉकेट में है, विद जिप है, देख लो पॉकेट, डबल पॉकेट है, डबल पॉकेट है, ये विदाउट जिप में होगी वाली। जी सर, ये विदाउट जिप, सिंगल एक पॉकेट आपको जिप में दी गई है। और मैं कह रहा हूँ बहुत हैवी क्वालिटी के अंदर जैकेट है। इसका क्या प्राइस होने वाला है सर? ये 4,000 रुपए की रेंज में आएगा। ये 4,000 रुपए मैक्सिमम के पास क्या मतलब रेंज आती है सर? ये 3,500 से 5,000 रुपए तक मैक्सिमम। 5,000 वाली कौन सी जैकेट होगी अपने पास? 5,000 रुपए में कैमल में है इस टाइम, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास ये 4,500 की है। अच्छा, ये 4,500 रुपए की सर, ये कम्प्लीट डिजाइनिंग में बनाया गया सर। बिल्कुल देख सकते हैं आप फिनिशिंग, मतलब मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े ब्रांड से अगर कंपेयर करेंगे ना, सो यहाँ की फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। अगर आप किसी ब्रांड शोरूम में जाते हैं, मिनिमम 10,000 रुपए की जैकेट होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली, 10,000 रुपए की जैकेट होगी। आप कितने की दे रहे हो? 4,500 रुपए की। 10,000 वाली जैकेट आप सिर्फ 4,500 में यहाँ से ले सकते हैं। सो आपने चीज देखी कितनी बढ़िया थी, तो इसके बाद आप देखिए एक बाइकर जैकेट और खतरनाक लुक में, जो पैचेस वाली हम जिसे मांगते हैं, डिजाइनर पैचेस वाली वही जैकेट है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए एक बार। जी सर, देखिए गॉट लेदर में है सर, ये भी फाइन क्वालिटी में बनी हुई है, बहुत अच्छी चीज है, ये भी हैवी लेदर में है, बाइकिंग के लिए स्पेशल है सर जी ये भी। अच्छा, बाइकिंग के लिए, बाइकिंग के सर। देखिए इसमें लेदर भी, अंदर की स्टिचिंग भी, फिनिशिंग बहुत बढ़िया दी गई लाइनिंग की। सही बात है, मैं कह रहा हूं सॉफ्ट क्वालिटी। कौन सा लेदर है? गॉट लेदर है सर। ये गॉट लेदर है सर, शीप लेदर बताया था, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट शीप होता है सर। जैसे मैंने बताया था, ये मैं देख के बता दूं, ये देखिए ये गॉट है और ये शीप है, देखिए पता लग गया साफ साफ। आप इसकी देख सकते हैं थिकनेस कितनी है और इसमें थिकनेस कितनी होगी,
आप चेकआउट कर सकते हैं, देख लीजिए आप समझ गए होंगे। जो सॉफ्ट होगा वो होगा शीप लेदर। ये सर ये एंटीक लुक पे आएगा सर, ये डबल स्टेड में आता है, ये भी बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है आजकल, इसका भी क्रेज बहुत है सर। अच्छा लग रहा है काफी कलर। क्या प्राइस होगा सर इसका? सर ये सर 3000 रुपए की रेंज में है सर। 3000 रुपए की जैकेट, और शोरूम में यही होगी कम से कम 7 से 8 हजार रुपए की मिनिमम। जी सर, जी सर। सर एक जैकेट ये देखिए 2500 की आएगी सर, 2500 रुपए की। 2500 रुपए में स्टार्टिंग वाली रेंज में, 2500 रुपए की रेंज में आएगी स्टार्टिंग रेंज में सर। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज में साइजेस सारे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे सर। इसमें तीन कलर मिल जाते हैं। अच्छा, तीन कलर मिल जाते हैं, कौन कौन से? ब्राउन मिल जाएगा सर इसमें, ठीक है, और ब्लैक मिल जाएगा सर, और इसके बाद सर ये टैन शेड आ जाता है। अच्छा, ये टैन सा शेड आया था। और अगर अपने हिसाब से किसी को अपने साइज देकर बनवानी है तो वो भी बन जाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली आपके साइज से आपका डिजाइन कोई भी आप बनवाना चाहें किसी भी तरीके का, वो हमारे पास अवेलेबल होता है, हम आपके मेजरमेंट से स्टिच करके देते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा कि आप 2500 वाली जैकेट में मेरा साइज बना दो, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे सर। एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। और साइजेस आपके पास कहां से कहां तक होते हैं सर? हमारे पास स्मॉल यानी कि 42 से लेके 52 तक साइज होते हैं। तो स्मॉल से लेके कितने होगा? स्मॉल से सर ट्रिपल एक्सेल तक। अच्छा, ट्रिपल एक्सेल। और अगर इसमें मांगूंगा ट्रिपल एक्सेल तो 2500 का ही होगा, एक्स्ट्रा नहीं सर? सर तो साइज के अकॉर्डिंग उसके प्राइस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो एक बार बताइए, इसमें आपको 42 से लेके सर 48 तक 25 मिल जाएगा। ये हो गया एक्सेल तक, एक्सेल तक, एक्सेल तक 25 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस 3000 का हो जाएगा। अच्छा, 3000 रुपए का हो जाएगा, 500 रुपए बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ साइज। जी जी सर, यस यस। तो देख सकते हैं आप, चलते हैं इनके फैक्ट्री यूनिट में जहां पर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो चलिए हम वहां पर चलते हैं। तो देख सकते हैं ना गाइस, आ चुके हैं फैक्ट्री यूनिट में। सिर्फ एक ही अपने यहाँ पर जो कारीगर वो बैठे हुए हैं, बिकॉज टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, रात को शूट कर रहे हैं हम वीडियो। सो भैया बताएंगे कैसे भैया कैसे कैसे प्रोसीजर होते हैं। देखिए सर, ये लेदर है सर, ये जी ये लेदर है, ये पैटर्न है हमारे सर, ये पूरे स्टिच करके। अच्छा, मतलब साइजेस के पैटर्न के हिसाब से बनाए हुए जी, पैटर्न के साइज बने हुए सारे। ये लेदर है, कटिंग होगा सर, कटिंग के बाद सर कारीगर के पास जाता है जी। कारीगर देखिए स्टिच कर रहा है सर, और सर इसमें एक स्टेप हम ये लगाते हैं भाई सब, देखिए। अच्छा, इसको फर बोलते हैं, जो काफी गर्म रहता है फर जो। जी अंदर लगता है, काफी अच्छा होता है, फाइन क्वालिटी का होता है सर ये जी। और सर इसके बाद हम इसमें एक लाइनिंग लगाते हैं सर, जो कोल्टिंग वाला एक्सपोर्ट कोल्टिंग का होता है सर, लाइनिंग देखिए। अच्छा, ये लाइनिंग होता है जी सर, ये कोल्टिंग लाइनिंग होता है सर, ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का बढ़िया। अच्छा, जो अंदर की तरफ कपड़ा जी, जो इनसाइड में लगता है सर जी। और सर इसके नीचे एक फोरो फिल होती है सर, जो काफी गर्म रहती है सर। अच्छा, ये स्टफ है सर उसका, देखिए ये भी। अच्छा, ये फॉर्म जैसे फॉर्म जी 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 फोरो फिल बोलते हैं सर। अच्छा, फोरो फिल कहते हैं जी जी, टेक्निकल लैंग्वेज इसको फोरो फिल बोलते हैं। सो यानी कि 4-5 लेयर के आसपास की जैकेट होती है। जी जी सर, डेफिनेटली सर। जैसे ऊपर हमारा लेदर हो गया, इसके अंदर फोलो फिल हो गई, फिर लाइनिंग हो गई, तीन लेयर कंफर्म, तीन लेयर की जैकेट होती है। तीन में कई बार चार ही हो जाती है, चार में अगर हम एक और चीज ऐड करें तो वो क्या होता है? ऐड में सर फोलो फिल डबल कर देते हैं ताकि ज्यादा गर्म रहे। ठीक है, तो ज्यादा गर्म रहे। जैसे कि आपने देखा फैक्ट्री में, भैया अभी आप क्या बना रहे हो? लेदर की जैकेट। लेदर जैकेट बना रहे हो, उसमें क्या अभी कौन सा पार्ट लग रहा है लेदर जैकेट में, कौन सा बना रहे हो? हाँ, ये कौन सा पार्ट? ये बाजू बना रहे हैं। अच्छा, बाजू बना रहे हो, तो ये अभी आपने क्या लगाया था? ये सोल्यूशन लगाया था। अच्छा, चिपकाने के लिए इसको। अच्छा, चैन के देख लीजिए, चैन के नीचे कपड़ा है। सो उसके बाद, अच्छा लेदर है, सॉरी कपड़ा नहीं, लेदर है ये, देख सकते हैं आप, लेदर नीचे फोलो फिल लगी हुई है, फोलो फिल है ना, फिर फ्यूजिंग लगी हुई है, फिर लेदर लगा, फ्यूजिंग है ये, फ्यूजिंग फिर लेदर फिर चैन। अच्छा, तीन चीजें लगी हैं। तो देख सकते हैं बाजू बन रही है, जैसे कि ऐसी जैकेट है ना, ऐसी सेम बाजू बन रही है, अच्छे से मतलब दबा के। ये भैया क्यों लगा जैसे दबा के? इसको ये एक्चुअली इसको पेस्ट करके बनाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अच्छा जी, तो ये बाद में घुटती तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सिलाई लगेगी ऊपर से। अच्छा, ऊपर सिलाई लगेगी पेस्टिंग के बाद। जी, पेस्टिंग, तो पेस्टिंग के बाद सिलाई लगेगी, वो भी आपको प्रोसीजर में दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्रोसीजर ये भी चल रहा है। एक बार भैया सिलाई करना वहाँ पर भी ना, तो देख सकते हैं जिप चली गई अपनी वहाँ पर, और अब होगी यहाँ पर स्टिचिंग। ये शोपीस वाली चेन है शायद? नहीं नहीं सर, यूजेबल है, यूज के लिए, पॉकेट ही बनेगी प्रॉपर। ये बाजू वाली जिप है। अच्छा, बाजू वाली जिप है, देख सकते हैं। एक बार दिखाओ कौन सी जिप है। ये वाली जिप है सर, ये वाली। अच्छा, ये वाली जिप बन रही है जी, ये वाली जिप है, टाइट और लूज, टाइट और लूज करने के लिए। अच्छा, ये टाइट और लूज वाली जिप है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, वैरायटी देख ली यार, कितनी सारी, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत सारी वैरायटी है। मैंने आपको सिर्फ आर्टिकल्स शो कर दिए थे यहाँ पर, भाई किस किस तरह की, मेन क्वालिटी की बात थी कि क्वालिटी किस तरह की थी। बाकी अगर आप डिजाइन अपने हिसाब से लेके आते हैं तो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं यहाँ सर, और क्वालिटी वजह से हमने देख ही लिया भाई, आग लगाकर दिखा दी थी, इतनी बड़ी चीज यहाँ पर दिखा दी आपको। सो मतलब कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजाइन काफी सारे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके दो, जरूर जाना, बिकॉज मैं देखता हूँ यार लोग वीडियो तो देख कर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।